नमस्कार दोस्तों, स्पंदन की आज की कड़ी में एक बहुत ही प्रेरणादायक प्रश्न लेके आ रहा हूं। एक प्रयोग है, आप भी कीजिए इस प्रयोग को। आप एक प्रयोग कीजिए, एक भगोने में पानी डालिए और उसमें एक मेंढक छोड़ दीजिए। फिर उस भगोने को आग में गर्म कीजिए। जैसे जैसे पानी गर्म होने लगेगा, मेंढक पानी की गर्मी के हिसाब से अपने शरीर को के तापमान को अनुकूलन संतुलित करने लगेगा, अनुकूल बनाने लगेगा, संतुलित करने लगेगा। मेंढक बढ़ते हुए पानी के तापमान के अनुकूल अपने को ढालता चला जाता है और फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब पानी उबलने की कगार पर पहुंच जाता है, इस अवस्था में मेंढक के शरीर की सहन शक्ति जवाब देने लगती है और उसका शरीर इस तापमान को अनुकूल बनाने में असमर्थ हो जाता है। अब मेंढक के पास उछलकर भगोने से बाहर आने के अलावा कोई चारा नहीं बचा होता है और वह उछलकर खोलते पानी से बाहर निकलने का निर्णय करता है। मेंढक उछलने की कोशिश करता है लेकिन उछल नहीं पाता है। उसके शरीर में अब इतनी ऊर्जा नहीं बची है कि वह कूदकर बाहर आ सके, क्योंकि उसने सारी शक्ति तो पानी के बढ़ते हुए तापमान को अपने अनुकूल बनाने में ही खर्च कर दी। कुछ देर हाथ पांव चलाने के बाद मेंढक पानी में मरणासन्न होकर पलट जाता है और फिर अंत में मर जाता है। देखिए, बड़ा दुखद है, ऐसा प्रयोग कौन करना चाहेगा किसी सजीव के साथ। ये सिर्फ एक प्रसंग है, एक कहानी है। इससे समझने की बात है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मेंढक आखिर मरा क्यों। प्रश्न उठता है कि मेंढक आखिर मरा क्यों। सामान्य उत्तर यही होगा कि उबलते पानी ने मेंढक की जान ले ली है, लेकिन यह उत्तर गलत है। तथ्य यह है कि मेंढक की मृत्यु का कारण उसके द्वारा उछलकर बाहर निकलने के निर्णय को लेने में हुई देरी थी। वह अंत तक गर्म होते माहौल में अपने को ढाल कर सुरक्षित महसूस कर रहा था और वह मर गया। अतः आप समझिए, हमारी स्थिति भी ऐसी ही होती है। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है। यदि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं तो आपका हश्र भी वैसे ही मेंढक जैसा होगा। परिस्थितियां 2019 के बाद से 2022 तक वह कैसी रही है आप सभी जानते हैं, और आगे कैसी रहने वाली है, अगले 3-4 महीनों में क्या होने वाला है, इसे किसी को पता नहीं है। किंतु हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अतः हम हर अपने अधिकार के खिलाफ उठने वाले आवाज का विरोध करिए, अपने समाज में के ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध कीजिए, अपने समाज को गुमराह करने वाले नेताओं का विरोध कीजिए। अपने फायदे के लिए आपके समाज को इस्तेमाल करने वाले नेतृत्वकर्ता नेता और नेत्री का विरोध कीजिए, वरना आप भी मेंढक बन जाएंगे और अपना अस्तित्व खो देंगे। धन्यवाद।